हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन आपको किसी भी रेफरेंस बुक में आसानी से मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एन टाइम्स द एमथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एन टाइम्स द एनथ टर्म ऑफ एन एपी एंड वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन। आपको यहाँ प्रूफ करना है, यानी कि शो करना है कि एम प्लस एनथ टर्म इज जीरो। इस तरह के सम को जब भी हम लोग बनाते हैं तो याद करिए हमने क्या कहा था, इस तरह के सम को आप जब भी बनाइए सबसे पहले इतना लिख लीजिए, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। और इसके बाद आपने पढ़ा है कि अभी तक हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पर डिस्कस किया है, दैट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 तक हमने कर लिया था एनसीईआरटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हमने लेट किया ए, कॉमन डिफरेंस को हमने लेट किया डी। ठीक है, अब आप पढ़िए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या है हमारे पास, हमारे पास है m टाइम्स, देखिए m टाइम्स द mth टर्म। तो m टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, है ना। ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी। अब हम लोग यहाँ जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखिए यहां हमने लिख लिया m, ए एम का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एम माइनस वन डी। वेल बिकॉज हमने पढ़ा है ना ए एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन डी, यहाँ एम है तो ए प्लस एम माइनस वन डी। सिमिलरली यहां भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, ये कितना होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए एम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे एम माइनस वन, और इसको मैंने लिख लिया एम डी। यहां तक क्लियर है, इस तरह से इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा ए एन, और इसको हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और इसको हम लोग लिख लेंगे एन डी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्या किया हमने, ए एन और इसको मैंने यहाँ एन डी लिख लिया। अब आप क्या करें, इसको आप सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो देखिए ए एम इसको हम अंदर भी ला सकते हैं, अच्छा पहले सॉल्व यहीं पर कर लीजिए आप। देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए क्या हो जाएगा एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। उसी तरह से यहां भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ए एन इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, अब आप लाइक टर्म्स को शिफ्ट कर लीजिए एक तरफ। देखिए यहां हमारे पास है ए एम, इस ए एन को हम इस तरफ ले आते हैं, दैट इज ए एन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए एम स्क्वायर डी इसके साथ हम लोग इसको लिख लेते हैं डी वाले टर्म्स को, देखिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा यहां पर एन स्क्वायर डी। ये क्लियर आपको, अब क्या बचा हमारे पास, देखिए यहां माइनस एम डी, अगर इसको हम अंदर ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस एम डी इक्वल टू जीरो। यहां आपने समझा, ए एम माइनस ए एन, एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी, और ये अंदर आ जाएगा तो प्लस एम डी इक्वल टू जीरो। अब आप कॉमन ले लीजिए, देखिए यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, यहां से अगर हमने ए कॉमन ले लिया क्या बच जाएगा एम माइनस एन। यहां पर देखिए आप इसमें आप एक बार डी कॉमन ले लीजिए, अगर आपने यहां से डी कॉमन लिया तो क्या बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहां भी अगर आपने d कॉमन लिया तो यहां क्या बच जाएगा m माइनस साइन लेंगे तो यहां साइन चेंज हो जाएगा ना, तो m माइनस एन और इक्वल टू जीरो। यहां तक क्लियर है, अब आप देख पा रहे हैं यहां पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख लीजिए। देखिए ए m माइनस एन प्लस, और यहां से हम लोग क्या करेंगे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा ना आपका m प्लस एन, और ये हो जाएगा आपका m माइनस एन माइनस डी, और ये हो गया m माइनस एन इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप देख पा रहे हैं यहां पर इस लाइन में, देखिए यहां पर यहां से आप m माइनस एन को कॉमन ले सकते हैं और साथ में d भी कॉमन जा सकता है ना, तो पहले हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहां से भी m माइनस एन को कॉमन ले लेंगे। तो यहां हमारे पास क्या बचा पहले आप वो देख लीजिए, यहां देखिए a m माइनस एन, और यहां से अगर हमने क्या कॉमन ले लिया, देखिए m माइनस एन और d को अगर हमने कॉमन ले लिया, देखिए d भी कॉमन ले लिया मैंने और m माइनस एन भी कॉमन ले लिया। ठीक है, d कॉमन ले लिया और m माइनस एन कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा आपके पास बताइए, यहां बच जाएगा m प्लस एन और क्या बचेगा माइनस, और यहां से अगर हमने कॉमन ले लिया कुछ नहीं बचेगा, दैट इज वन। इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखिए m माइनस एन को मैंने कॉमन ले लिया है, d कॉमन ले लिया है, तो यहां क्या बचा हमारे पास m प्लस एन और यहां बचा माइनस वन। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए यहां भी m माइनस एन, यहां भी m माइनस एन, फिर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो फिर से हमने देखिए m माइनस एन को कॉमन ले लिया, अगर m माइनस एन को कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा हमारे पास, देखिए a प्लस, यहां तो आपने ये कॉमन ले लिया,
यहाँ क्या बचेगा आपके पास, इसको अगर हम आगे लिख ले तो बचेगा इस तरह से, देखिए m प्लस एन माइनस वन, और ये d को मैंने यहाँ लिख लिया, इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर आपको। अब क्या करेंगे, m माइनस एन को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे, क्या बचेगा a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू जीरो बाई एम माइनस एन, दैट इज जीरो, और मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर वन। यहां तक आपने अगर समझ लिया तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना था, प्रूफ करना था हमें कि m प्लस एन टर्म इज जीरो। तो हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूला में, आप जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, सो ए एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस बताइए एम प्लस एन माइनस वन डी लिखेंगे, क्योंकि देखिए ए एन अगर यहां एन होता तो यहां हम लोग क्या लिखते एन, तो ए एम प्लस एन है तो यहां क्या लिखेंगे ए प्लस दिस वन माइनस वन डी। अब इसका वैल्यू देखिए हमारे पास कितना है, देखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन वन से देखिए ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू क्या है हमारे पास, जीरो फ्रॉम इक्वेशन वन से, तो इसके प्लेस में हम जीरो लिख सकते हैं ना, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन वन से आया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा प्रूव्ड हो गया ना। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया अभी तक, सबसे पहले आपको लेट कर लेना था फर्स्ट टर्म को, ए लेट कर लिया हमने, सेकंड कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लिया। अब आपसे बोला गया था कि m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, बस आपको यहां जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, देखिए m a m का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया a प्लस m माइनस 1d, यहां लिखा हमने n, a n का फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस n माइनस 1d। इसके बाद आपको थोड़ा एलजेब्रा स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बाद हमने क्या किया, देखिए a m इसको हमने मल्टीप्लाई किया, लाइक टर्म्स को हमने एक तरफ शिफ्ट किया, बस यहाँ दो तीन लाइन आपको ध्यान देना है कि क्या हमने किया, कैसे हमने कॉमन लिया है, किस तरह से कॉमन लिया है, और कॉमन आपको लेते रहना, उस तरह से आप यहाँ तक आ जाएंगे। जैसे आपने इक्वेशन वन क्रिएट कर दिया, अब आपसे क्या पूछा गया था, प्रूफ करना हमें कि m प्लस एन एन एस टर्म इज जीरो, तो हमने a m प्लस एन, क्योंकि आप जानते हैं a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, सो a m प्लस एन लिखेंगे तो a प्लस m प्लस एन माइनस वन डी, और इसका वैल्यू हमारे पास क्या है फ्रॉम इक्वेशन वन में, जीरो, तो यहाँ हमने जीरो प्लस कर लिया। आई होप कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सम के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।